क्या है भाई ये? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग। हस्बैंड वाइफ ब्लॉग्स में दोबारा आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और आज तो लक्की भी आई है मेरे साथ। लक्की क्या हुआ? आके बैठी हुई है एकदम। हम लोग दोनों आए हैं आज काम देखने के लिए। तो आज हमारा सीमेंट भी आने वाला है, तो उसी का इंतज़ार है। सीमेंट आएगा तो उसको थोड़ा पेमेंट भी करना है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, और जो भी काम हो रहा है उसका पूरा अपडेट आप लोगों को देंगे। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथ ही साथ इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग। तो देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर सभी पोस्ट उठ चुका है। अभी सिर्फ यहाँ एक पोस्ट और इधर का दो पोस्ट बाकी है, बाकी सभी पोस्ट उठ चुका है। और उस तरफ जुड़ाई का काम चल रहा है, ईटा जुड़ाई हो रहा है, और इधर सैंड फिलिंग का काम चल रहा है। तो ये सब सैंड फिलिंग हो रहा है। इसके बाद ये घर इस लेवल तक उठेगा और फिर सैंड फिलिंग होगा, फिर उसके बाद घर ऊपर बनेगा। तो ये है अभी तक का अपडेट। सो फ्रेंड्स, अभी सीमेंट आया है। तो लास्ट टाइम जो था दूसरे जगह में अनलोड हुआ था तो थोड़ा सुविधा हुआ था, लेकिन आज वो रास्ता थोड़ा ब्लॉक हो गया, मिट्टी गिर गया, तो इसीलिए यहाँ से अभी इसको लोड किया जा रहा है।
আচ্ছা তাহলে ওই গিটি বালি যেটা আপনারা ইয়ে করেন ওটা কি কি করে ও করেন, ব্যাগে করে বস্তায়? ডালা আছে এমনি, মানে এ হয়ে গেলে তো অনেকটা পড়ে যাবে তো, আবার ডালা থাকলে ঠিক আছে। বালি তাহলে 1500 টাকা এক ডাম্পার, আর 100 সেফটি গিটি 600 টাকা 600। তাহলে ঠিক আছে, দেখেছেন ওখানে রাস্তাটা? লাস্টে দেখে নেবেন। হ্যাঁ তো আবি সিমেন্টের লোডিং চল রা হ্যাঁ কাফি হ্যাঁ আবি অন্দর কতনা গিরা হ্যাঁ ও ভি দেখনা পড়েগা। সোনম ভি আয়া হুয়া উধর রখা রখা হুয়া উসকো দেখনে কে লিয়ে। মিলার রাখ দেছে ये देखो हमारा इलाका साफ हो जा रहा है। अरे वैसे झाड़ू मारने से तो और ये होगा, धूल उड़ेगा। वहाँ मत बैठो, वैसे मत बैठो, पूरा पैंट गंदा हो जाएगा। जितना भी तुम साफ करो वो पूरा मिट्टी है ना, इसको यहाँ पर ऐसे घर का जितना भी गंदगी होगा ना सबको यहाँ पर लगा जला दो तो सही रहेगा। या काला काला चीज हटा रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? अनिक। कौन से क्लास में हो? वन में हूँ। वाह स्प्लेंडर नहीं केवी। केवी अच्छा, तब ये छोटू भी केवी का ही होगा? नहीं वो विवेकानंद का। विवेकानंद कहाँ पर है? यहाँ पर वो गोपाली की तरफ। हाँ विवेकानंद में पढ़ते हो? हाँ विवेकानंद में पढ़ते हो। हाँ, हाँ। अच्छा देखना, हाथ मत जला लेना, दूर से फेंको। देखो अपना एरिया साफ हो जाएगा। जुलाबी थोड़ा सिंगड़ा दे। तो फ्रेंड्स अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है और अभी हम लोग घर नहीं जा पा रहे, तो मैंने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, लक्की को घर भेज दिया था। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा टाटा ग्लू को लेकर आए हैं और ये सोनम समोसा लेकर आया, समोसा खाएंगे और समोसा। अभी यहाँ जा गाड़ी हट रहे हो कोल्ड ड्रिंक खाने से तो अच्छा है टाटा ग्लू को ही पियो, एनर्जी भी आएगा और बढ़िया भी है। इनको देखो ना। अभी ये सीमेंट अनलोडिंग का काम हो जाए उसके बाद जाएंगे घर, नहा धो के लंच करेंगे। लकी मछली लेके गई है, मछली खाएंगे। घर पहुंच चुकी हूँ मैं और मैंने थोड़ा सा सब्जी और यहाँ पर फिश लेके आई हूँ, तो ये मैं बनाऊंगी। और माइलो 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 माइल माइल भी बोरिंग मान रहा है आज तो। तो अभी दादा वहीं पर है कंस्ट्रक्शन में, तो अब मैं खाना बनाऊंगी तभी मैं दादा को बुलाऊंगी। सो फ्रेंड्स अभी जाकर 3 बजे काम खत्म हुआ। साढ़े तीन बजिया 3:30 बजिया
अभी तक हम दोनों का लंच नहीं हुआ है और पूरा सीमेंट अनलोडिंग कराया, फिर अंदर स्टोर में डाला और डालने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं घर। अभी पासंग सोनम का जो भूख था वो भी मिट गया बोल रहा था, अभी देखते हैं, अभी जाके लंच करेंगे अभी 3:30 बजे और उसके बाद फिर 5 बजे ऐसे में आएंगे काम देखने के लिए। तो अभी चलिए चलते हैं घर, नहा धो के उसका लंच कर लेते हैं, यही है। सो फ्रेंड्स, अभी नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ और अभी लंच करने जा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को बता दूँ अभी 4 बज चुके हैं, तो अभी 4 बजे मैं लंच करने वाला हूँ। और आज लंच में है राइस और ये फिश कड़ी है, एक ही साथ प्लेट में डाल दिया तो आप लोगों को भी देखने में ख़राब लग रहा होगा। तो मिलते हैं आप लोगों को शाम को और अभी लंच कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, ये देखिए आगे बैठा हुआ है एकदम, मैं लंच कर रहा हूँ तो ये भी एकदम बेकरार बैठा हुआ है। बैठ तू भी, हेलो, खाएगा क्या, खाएगा तू। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं घर और अभी हो चुका है हमारा डिनर टाइम, तो लक्की लेकर आ रही है और बन गया है, तो देखते हैं क्या लेकर आ रही है। तो देखिए बन गया है हमारा डिनर, तो डिनर में आज क्या है भाई, ये रेमन है ना, ये तो रेमन ओ कोरियन नूडल्स है, क्या है स्पाइसी है और विथ ज़्यादा स्पाइसी नहीं डाला है, थोड़ा ये लग रहा है मेरे को, तो विथ ऑमलेट, ऑमलेट के साथ खाएंगे। तो आज डिनर में यही है, हल्का हल्का खा रहे हैं डिनर में, तो देखते हैं टेस्ट करते हैं कैसा है। ठीक है, ज़्यादा तीखा नहीं दिया, ओके ओके है। तो दूध भी ले आएगा, खाना पड़ेगा। ये ना बहुत ज्यादा ये करती है, मतलब ये रेमन स्पाइसी नूडल ये बहुत पसंद करती है सब। अरे नहीं, इसको ऐसे खाना अच्छा लगता है। वाओ। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिनर, तो आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से कल अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट।